नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। यूपी में नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। होली के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ दूसरी बार शपथ लेंगे। बताया जा रहा है कि 21 मार्च को शपथ ग्रहण हो सकता है। शपथ ग्रहण के लिए इस बार स्मृति उपवन की जगह अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम को चुना गया है। स्टेडियम में शपथ ग्रहण करने के पीछे की वजह यह है कि बीजेपी इस ऐतिहासिक जीत को भव्य बनाने की कोशिश कर रही है। क्या है पूरी तैयारियां, देखिए इस रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होली के बाद आयोजित होगा। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रशासन स्तर पर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में हो सकता है। बताया जा रहा है कि समारोह में 45,000 लोग शामिल हो सकते हैं। प्रशासन की ओर से 20 मार्च तक तैयारी पूरी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रदेश भर से सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी समारोह में शामिल किया जा सकेगा। इसके अलावा बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसी में शामिल हो सकते हैं। वहीं मुख्य रूप से संघ के पदाधिकारी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मेहमान के तौर पर पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, मायावती समेत कई दिग्गज चेहरे भी शामिल होंगे। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री आवास पर बीते सोमवार को हुई इस बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उत्तर प्रदेश भाजपा के संगठन प्रभारी राधा मोहन सिंह और वरिष्ठ नेता सुनील बंसल भी मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार यूपी में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होली के तुरंत बाद आयोजित होगा। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह को एकाना स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए 200 वीवीआईपी गेस्ट की लिस्ट तैयार की गई है। इनमें विपक्ष के सभी दिग्गज नेताओं को आमंत्रित करने की भी बात कही जा रही है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली।